दोस्तों, रतन टाटा जी भारत के लीडिंग बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और टाटा ग्रुप के रिटायर चेयरमैन हैं। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और एबिलिटी के दम पर टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस के प्रोफाइल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने टाटा को एक मेजर इंडिया सेंट्रिक कंपनी से ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। रतन टाटा दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर भी टाटा ग्रुप का नाम देश विदेशों में रोशन किया है। रतन टाटा एक दयालु व्यक्ति हैं, जिनके 65% से ज्यादा शेयर चैरिटेबल संस्थाओं में इन्वेस्ट किए गए हैं। अब इसी महान व्यक्ति ने भारत के लिए एक और महान काम कर दिया है। दरअसल टाटा ग्रुप ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर बनाकर उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं टाटा ग्रुप के इस सेमीकंडक्टर के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। लेकिन इससे पहले आपका सेमीकंडक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्या होता है और इनका कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले टाटा ग्रुप के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, और इसका इस्तेमाल करंट को कंट्रोल करने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर असल में सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जो चिप के फॉर्म में होते हैं। मौजूदा समय में जितनी भी कारें, मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, जेट फाइटर जेट, मिसाइल, टैंक और सबमरीन दुनिया में मौजूद हैं, उन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया ही जाता है। इनके बगैर दुनिया में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रिसिटी गैजेट और हथियारों की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि ये ना हो तो गैजेट्स और हथियारों के हाईटेक फीचर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी तक सेमीकंडक्टर के मामले में भारत दुनिया से कहीं पीछे था, लेकिन अब 2024 में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री मार लिया है। उन्होंने इसके लिए 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। टाटा ग्रुप ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर गुजरात के धलोरा में एक मेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी स्थापित कर ली है। टाटा ग्रुप के इस इंडस्ट्री में एंटर करने का मेन रीजन भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना करना है। इसके अलावा ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने का उद्देश्य भी है। इस नई पहल से भारत में कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, एडवांस स्किल सेट्स, टैलेंट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर और इकोसिस्टम पार्टनर का नेटवर्क लाया जाएगा, जिससे भारत में इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बेसिक डेवलपमेंट की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा सकेगा। दोस्तों, हाल ही में टाटा ग्रुप के कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही सेमीकंडक्टर चिप को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इस चिप को बेंगलुरु में स्थित टाटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में बनाया गया है। टाटा इन सेमीकंडक्टर चिप को बनाकर सबसे पहले अमेरिका और यूरोपियन देशों समेत जापान में मौजूद अपने पार्टनरशिप ग्रुप को एक्सपोर्ट करने वाली है। टाटा ग्रुप ने बताया है कि उन्होंने जिस चिप को डिजाइन किया है वो एक मल्टी यूज चिप है, यानी इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जा सकेगा। और इसके अलावा टाटा ग्रुप ने ये भी कहा है कि वो बहुत जल्द एडवांस AI से लैस 28, 40, 55 और 65 नैनोमीटर चिप को बड़ी मात्रा में बनाने वाली है। सेमीकंडक्टर को बनाते वक्त दो चीजों पर काफी ध्यान दिया जाता है। पहला, इसकी डिजाइनिंग। जब हम किसी सेमीकंडक्टर को डिजाइन करते हैं तो उसे टैप आउट कहा जाता है, और टाटा ग्रुप ने अपने सभी नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का टैप आउट तैयार कर लिया है। अब बस इस डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजकर इसका प्रोडक्शन शुरू कर देना। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है कि ये हमारे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है? तो आपको बता दूं कि ये भारत का दशकों से सपना रहा है कि भारत हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ताकि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता खत्म हो सके। ऐसे में भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री आत्मनिर्भर भारत का एक अहम कदम होगा। अब भारत सिर्फ देश में सेमीकंडक्टर नहीं बनाएगा, बल्कि अब भारत इन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। इसके साथ ही टाटा ग्रुप ने यह भी ऐलान किया है कि अब वो 14 mm के चिप भी बनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक सेमीकंडक्टर चिप जितनी छोटी होती जाती है वो उतनी ही एडवांस हो जाती है, साथ ही इन्हें बनाना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दोस्तों, इस वक्त चीन और ताइवान सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया पर राज कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं। अगर हमें चीन को हराना ही है तो क्यों ना हम चीन को तकनीक के मामले में हराएं, क्यों ना हम चीन से आगे निकलकर उसे हराएं। और ऐसे भी सेमीकंडक्टर के मामले में भारत आज चाइना के बाजारों पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुका है, इतना ज्यादा निर्भर है कि अगर आज भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो भारत में बनने वाले आधा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गैजेट बनना बंद हो जाएंगे। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इन्हीं सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्पेस प्रोग्राम में भी किया जाता है। भले ही ये सेमीकंडक्टर दिखने में छोटे हों, लेकिन इनके बिना बड़े बड़े मशीन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, एयरप्लेन, स्पेस रॉकेट और सेटेलाइट भी बेकार है, क्योंकि जिस तरह हम इंसानों में ब्लड को हमारी बॉडी के कोने कोने तक पहुँचाने में दिल की जरूरत पड़ती है,
ठीक उसी तरह किसी मशीन के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने के लिए सेमी कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर सेमी कंडक्टर को सभी मशीन का दिल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और अब टाटा ग्रुप की ये नई कामयाबी भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखेगी। वैसे दोस्तों, अगर टाटा ग्रुप के इस काम से आपको गर्व हुआ हो, खुशी मिला हो, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।